नमस्कार, स्वागत है आपका हापुड़ हलचल पर। मैं हूँ आपके साथ आस्था त्यागी। कांवड़ यात्रा के दौरान शिव भक्तों को जाने वाले मार्ग पर मीट की दुकानें और ढाबे होटल बंद रहेंगे। इसको लेकर सीओ ने सभी होटल ढाबे और संचालकों के साथ बैठक कर संबंधित दिशा निर्देश दे दिए हैं। साथ ही सभी ढाबे संचालकों को खाने की सूची ढाबे और होटल के बाहर चस्पा करने के आदेश दिए हैं, जबकि आदेश का पालन न करने वालों पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। रविवार को कोतवाली में आयोजित की गई बैठक में सीओ आशुतोष शिवम ने कहा है कि 4 जुलाई से पवित्र श्रावण मास का शुभारंभ हो जाएगा। इस दौरान भगवान शिव की आराधना करने वाली शिव भक्त कांवड़ लेकर आएंगे, इसलिए कांवड़ मार्ग सहित अन्य मार्ग पर भी मास की दुकान, होटल, ढाबे पूर्ण रूप से बंद रहेंगे। उन्होंने कहा है कि जिस भी व्यक्ति का ढाबा, होटल जिस नाम से है, वह उस नाम को नहीं छिपाएगा, जबकि अपनी सही पहचान को ढाबे, होटल के बाहर लगाकर रखेगा। वहीं शुद्ध भोजनालय बनाने वाले ढाबे संचालकों से कहा गया है कि सभी अपने अपने यहाँ पर खाने की सूची को चस्पा करेंगे। ढाबे होटल पर CCTV भी लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा है कि इस में किसी भी प्रकार की लापरवाही सामने आई तो कार्रवाई अमल की जाएगी, जबकि किसी भी प्रकार से शिव भक्तों से अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे। इसको लेकर पुलिस का सहयोग अनिवार्य है। बैठक में काफ़ी संख्या में होटल ढाबा संचालक मौजूद रहे। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हापुड़ हलचल।